नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अविनाश ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूं। आज जो मैं वीडियो आप लोग के सामने ला रहा हूं वो है आई एम सो हैप्पी, मेरा पहला ट्राईपॉड। ये मैंने ट्राईपॉड खरीदा है अमेजन से, और साथ ही साथ मैंने माइक भी खरीदा। मैं आपको सारा रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि मैंने जो ये प्रोडक्ट खरीदा ये किस पर्पज से खरीदा। ये मैंने ओपन कर दिया था देखने के लिए कि हाँ प्रोडक्ट सही है कि नहीं, बट उसके बाद मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आया है हमारे पास। तो उसमें क्या आपको मिल रहा है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट आया है मेरा मेरे पास पूरा एज इट इज़। ठीक है, ये उलांजी MT-11। इसमें आपको ये जो उसका बेस है, ये आपका जो टेल है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसको किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं इस तरीके से। और जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करता था तो फ़ोन से करना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, और मुझे इस चीज़ की कमी खलती थी कि कुछ ऐसा मेरे हाथ में आए जिससे कि मैं वीडियो को सही फोकस में बना सकूं। और फिर मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है। और मुझे ये पहले नज़र में प्रोडक्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। कैसे बता रहा हूँ, देखिए इसमें अब जैसे मैं इसको इस तरीके से वो कर रहा हूँ कि कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से पेंट कर सकता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मैं स्टैंड पे बना रहा हूँ तो स्टैंड पे ऐसे करके रख सकता हूँ। ये है सबसे बेहतरीन चीज़। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि ये मूवेबल है, ये मूव करता है। आप इसको ऐसे करके फ़ोन को रख के आप सेट कर लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो साइड आप देख रहे हैं ये कोल्ड शू वाला, सबसे मेन बात आपको इस प्रोडक्ट में बता दूँ कि कोल्ड शू किसी भी ट्राईपॉड में या मैक्सिमम ट्राईपॉड में नहीं आता, उसको आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। बट मुझे इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि इस प्रोडक्ट के साथ में मुझे कोल्ड शू मिला हुआ है। तो कोल्ड शू के पास से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे कीजिए ऐसे, ठीक है, और उसको ऊपर की तरफ ऐसे लेके आइए। ऑलराइट, तो ये देखिए आपका ये कोल्ड शू ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आपको स्टैंड को इस पे रखना है, इस पे रखना है, इस पे रखना है, जिस तरीके आपसे रखना है उसको आप थोड़ा सा इसको टाइट कर लीजिए। अभी है आपका फोन, अब आप इसको फोन को इसमें इसको थोड़ा सा स्प्रिंग को ऊपर करके ऐसे लगा दीजिए। ये हो गया आपका तैयार। अब आप ब्लॉगिंग कीजिए जिस तरीके से आपको ब्लॉगिंग करना है, जिस मर्जी आपको स्टैंड में रखना है तो आप इसको स्टैंड में रख दीजिए, स्टैंड बना लीजिए इसका। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करके, ये देखिए स्टैंड तैयार हो गया। ठीक है, अब ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करना है, आप इसको इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके ऊपर आपको जो माउंट पॉइंट है मिला है कि आप इसमें माइक को सेट कर ले, उसके लिए आप इसको सिंपली इसके ऊपर में इसको ऐसे करके लगा दे। मैं लगा रहा हूँ, ये बहुत ही इजी वे, मतलब कि आपको आप इसको थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिए, स्क्रू को टाइट कर लिया। अब इसमें आपका लग जाएगा माइक, फिर आपका तैयार हो जाएगा कंप्लीट एक सेटअप। ठीक, तो अगला प्रोडक्ट मैंने अपने ब्लॉगिंग के लिए परचेस किया है वो है बोया का BYMM प्रोडक्ट। इसकी रिव्यूज़ मैंने बहुत सुने थे, इसके बारे में बहुत ही रिसर्च किया, जाना और वीडियोस देखे। अल्टीमेटली मैंने कम प्राइस में इस प्रोडक्ट को फाउंड किया और मैंने इसको अल्टीमेटली परचेस भी कर लिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट को जब आप परचेस करते हैं, ये प्रोडक्ट मुझे अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ का मिला है। इसमें जो मुझे आइटम्स मिले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अभी ओपन कर लिया कि ज़्यादा टाइम ना लगे, आप लोगों के पास सबके पास टाइम कम रहता है। तो हमने इसमें एक वायर मिला है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, और ये एक खुशखबरी है जो कि मेरे साथ इशू हो रहा था आईफोन वालों के लिए। आईफोन यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक कनेक्टर आता है जो कि 3.5 mm के साथ इसमें कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन के साथ, और उसको आप लगा के
ट्राइपॉड के साथ में माइक को यूज कर सकते हैं। तो आईफोन वाले निराश मत होइएगा, मेरे तरह मैं भी निराश हुआ था, बट फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिला। जिस इस प्रोडक्ट में जो ये बोया का प्रोडक्ट है, ये आपको बैग मिलता है साथ में, मैंने बैग का यूज कर लिया, अभी ओपन किया है। इसमें आपको एक डेड कैट मिलता है, ये नॉइज रिडक्शन के लिए होता है, और ये है आपका फाइनली माइक। ये माइक, इस माइक को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। गाइज ये माइक मैंने लगा दिया है इसमें, अब इसको मैं थोड़ा टाइट कर लूंगा, ठीक है। अब इसको पीछे से मैं, ये कनेक्टर एक जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और दूसरा ये जो फोन है इसमें, अगर आपका एंड्रॉयड फोन है 3.5 mm जैक के साथ, तो आप इसको किसी भी फोन में लगा सकते हैं। अगर आईफोन है तो उसमें एक कनेक्टर आता है जो कि 3.5 mm वाला के साइड में आप इसको लगाएंगे, और जो फोन का चार्जर होता है उस तरीके का जो पिन होगा वो इसमें लगेगा, फिर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, परफेक्ट साउंड इसमें आएगा जैसा मैंने रिव्यू देखा था। मैं अगला रिव्यू जो लेके आऊंगा वो बेसिकली इसी पे आऊंगा कि यूज करने के बाद इस प्रोडक्ट में माइक का साउंड कैसा है, और ट्राइपॉड तो ईजी हैंडलिंग है, इसका तो कोई बात कहना ही नहीं, इसके बारे में फिर भी आपको बताऊंगा, ठीक। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो भी नए यूट्यूबर्स आते हैं वो किस एक से दो चीज़ों के साथ आगे बढ़े, जिससे कि उनकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़िया हो और ऑडियो भी बढ़िया हो। एक ब्लॉगिंग में या किसी एक प्रेजेंटेशन में वीडियो के सबसे मेन चीज़ होता है ऑडियो। तो ऑडियो को बेहतर रखने के लिए मैंने जो खरीदा है वो माइक खरीदा है, और कैमरे को स्टैंड रखने के लिए, स्टिल रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए मैंने ट्राइपॉड खरीदा। ट्राइपॉड जो मैंने खरीदा, मैंने बताया आपको, ये ट्राइपॉड आपका ओलांजी का है, मेरे को ये 1450 लगभग 1500 रुपये का पड़ा है, और माइक मेरे को जो पड़ा है बोया का वो पड़ा है अप्रॉक्स 2000, तो 3500 के स्टार्टिंग के साथ आप ब्लॉगिंग की सारी एक्सेसरीज आपके पास हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर टच दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और इस तरीके से लगातार मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें और हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।